के साथ प्रगति शर्मा। शुरुआत रायपुर से मिल रही बड़ी खबर के साथ। रायपुर में माना बस्ती इलाके में बड़ी लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है। 10 लाख रुपए से अधिक की लूट का आरोप है। 4 नकाबपोश बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया है। रात करीब 3 बजे घर के सदस्यों को बंधक बनाकर वारदात को अंजाम दिया। परिवार के लोगों की बेरहमी से पिटाई की। पुलिस, डॉग स्क्वाड, फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट जांच में जुटे हुए। रायपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे, 10 लाख रुपए से अधिक की लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। रायपुर से ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। करीब 3 बजे की घटना, जब सदस्यों को बंधक बना लिया और फिर लूट की वारदात को अंजाम दिया, तो परिवार के लोगों की बेरहमी से पिटाई भी की गई है। पुलिस, डॉग स्क्वाड, फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट जांच में जुटे हुए हैं। फिंगरप्रिंट उठाने की कोशिश की जा रही है, देखने की कोशिश की जा रही है, पुराने रिकॉर्ड खंगाले जा रहे हैं। डॉग स्क्वाड भी मौके पर मौजूद है, पुलिस की टीम मौके पर मौजूद है और संयुक्त कार्रवाई की जा रही है कि क्या कुछ फिलहाल निकलकर सामने आ रहा है। तो रायपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 4 नकाबपोश बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। रात करीब 3 बजे घर के सदस्यों को बंधक बना लिया और लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है। ये कुछ तस्वीरें आप देख रहे हैं। आरोपी मौके पर पहुंचे और यहां पर देखिए सब कुछ बिखरा हुआ नजर आ रहा है। लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया गया है। बड़ी लूट का ये मामला निकलकर सामने आ रहा है। 10 लाख से ज्यादा की लूट को यहां पर अंजाम दिया गया है और मौके से फरार हो जाते हैं आरोपी। फिलहाल छानबीन जारी है, जांच में जुटी है पुलिस। रायपुर के माना बस्ती इलाके की ये घटना बताई जा रही है। 10 लाख रुपए से अधिक की लूट का आरोप है। अंकुश शर्मा हमारे संवाददाता राजधानी रायपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अंकुश, देखिए पहला मामला नहीं है लूट के, इस तरह मामले लगातार सामने आ रहे हैं और अपराध का ग्राफ भी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अंकुश लगाने के लिए पुलिस क्या कुछ कदम उठा रही है? देखिए, बिल्कुल ठीक कहा आपने कि अपराध का ग्राफ जो है वो लगातार राजधानी रायपुर में बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और उसका ताजा उदाहरण जो है वो माना बस्ती इलाके के एक घर का है, जहां पर रात को 3 बजे कुछ बदमाशों ने इस पूरी बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। एक परिवार को बंधक बनाया, बंधक बनाने के बाद उनके साथ मारपीट भी की गई और उनके अलमारी से जो जेवरात थे और जो कैश था वो लेकर वो फरार हो गए हैं। हालांकि घटना के बाद मौके पर पुलिस पहुंची हुई है और अब पूरे मामले की तफ्तीश की जा रही है, लेकिन अभी तक कोई सुराग जो है वो किसी पुलिस अधिकारियों के हाथ नहीं लग पाया। फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम के बारे में जांच पड़ताल की जा रही है, आसपास के सीसीटीवी फुटेज जो है वो खंगाले जा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि राजधानी रायपुर में जब इस तरीके की वारदात हो सकती है तो बाकी के प्रदेश के अलग अलग इलाकों के क्या हाल होंगे। फिलहाल इस पूरे मामले में पुलिस तफ्तीश कर रही है और कुछ ही देर पहले प्रदेश के गृह मंत्री विजय शर्मा से जब इस पूरे विषय पर बातचीत की गई तो उन्होंने भी जांच की बात कही और उन्होंने कहा है कि प्रदेश में जो आपराधिक घटनाएं हैं उसमें कमी आई है, लोग जो है रिलैक्स हैं, राहत की सांस ले रहे हैं। लेकिन इस पूरी बड़ी घटना ने एक बार फिर से कई तरह के सवाल जो है वो प्रदेश की कानून व्यवस्था पर खड़े कर दिए हैं। इसको लेकर अब लगातार जांच चल रही है, डॉग स्क्वाड की टीम मौके पर पहुंची हुई है, लेकिन यही सवाल ये कि रात को 3 बजे इतनी बड़ी वारदात कैसे हो।